नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रूफ ऑफ हाउस इज ब्लोज आउट ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिक्स ऑफ विच लॉ, यानी कि तूफान के दौरान घर की छतें जो है उड़ जाती है, इसे किस नियम के मूल आधार पर समझाया जा सकता है। मतलब कई बार आपने देखा होगा कि तेज आंधी आती है ना, तेज आंधी के अंदर घर की छतें जो है वो उड़ जाती है। अब इसका क्या कारण है, इसका कारण जो है वो आप जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर कि क्या कारण है। पास्कल का नियम है, बर्नौली का प्रमेय है, न्यूटन के नियम है, या फिर आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। तो यहां पर आप देखने की कोशिश कीजिए, यहां पर मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं कि किस तरह से क्यों घर की छतें जो है वो उड़ जाती है। ये सारा काम जो है बर्नौली थ्योरम के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? बर्नौली थ्योरम के आधार पर होता है। बर्नौली थ्योरम जो है उसके आधार पर आपके घरों की छतें जो है वो उड़ती है। अब जरा थोड़ा सा हम बर्नौली थ्योरम को समझ लेते हैं कि बर्नौली थ्योरम है क्या चीज, ठीक है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कागज है, ठीक है, मेरे पास क्या है, एक कागज है। अब क्या होता है कि जब तेज आंधी आती है ना, तेज आंधी आती है तो घर की छतों के ऊपर का प्रेशर जो है ना वो क्या हो जाता है, ऊपर की हवाएं जो है ना वो तेज चलने लगती है। अब ऊपर की हवाएं जब तेज चलने लगती है तो घर की छतों के ऊपर का जो प्रेशर है ना वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और अंदर का प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, ज्यादा रहता है। जैसे यहां पर इसको समझने की कोशिश कीजिए, जैसे तेज हवा जब चलेगी तो ऊपर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं इसके ऊपर हवा मार रहा हूं, अब ये पेज जो है ना ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है, दोबारा से देख लीजिए एक बार, ये पेज जो है ना ये ऊपर की तरफ आ रहा है। ये ऊपर की तरफ क्यों आया, क्योंकि जब मैंने यहां पर इसके तेज हवा जब यहां से गुजरी ना तो क्या हुआ कि ऊपर का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। अब ऊपर का प्रेशर जब कम हो गया तो नीचे का प्रेशर तो वही था, अब नीचे का प्रेशर जो है ना ऊपर की तरफ क्या देगा, इसको थ्रस्ट देगा, ऊपर की तरफ क्या लगाएगा, एक फोर्स वो लगाएगा, और इसी के कारण आपके घरों की छतें जो है वो तेज तूफान या आंधी के अंदर क्या है, उड़ जाती है, ठीक है। तो अच्छा से क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, जैसे ऊपर की तरफ प्रेशर क्या लगेगा, ऊपर की तरफ मान लीजिए ऊपर की तरफ प्रेशर लगेगा P2, ठीक है, जो अंदर से लगेगा, और यहां पर प्रेशर जो है वो क्या है, P1 है। तो P2 माइनस में P1, ये जो प्रेशर का डिफरेंस है यही है आपका वो कारण जिसके कारण घर की छतें जो है वो उड़ जाती है। तो अच्छे से क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे।